नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, पटना विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में बीएन कॉलेज के छात्र हर्षराज की हुई हत्या के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को उग्र छात्रों ने यूनिवर्सिटी से निकलकर अशोक राजपथ पर जमकर हंगामा किया। गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर छात्रों ने हत्या के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए आगजनी की। इस दौरान छात्रों ने टायर फूंक कर हंगामा किया है। बता दें कि छात्र नेता हर्षराज की दिन दहाड़े हत्या के बाद छात्रों में नाराजगी है, लिहाजा वे पटना के कारगिल चौक पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद अब पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर दिया है। छात्रों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ दिया है। पुलिस छात्रों को लाठी डंडे से मार रही है और इसके साथ ही दूसरी ओर छात्रों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। इसके साथ ही वे जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर के पुलिस का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुन लीजिए। सड़क छात्र उतरे हैं। कल की घटना आप लोगों को जानकारी में आई होगी। कल की घटना के प्रतिशोध स्वरूप आक्रोश मार्च के द्वारा निकाला जा रहा है, परंतु पटना पुलिस हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हम लोग हर हाल में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को भंग नहीं होने देंगे। छात्रों को हम लोग समझाएंगे और शांतिपूर्वक अपना मार्च करें। अगर इन तहकीस के द्वारा कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो हम लोग सख्त कार्रवाई भी करें। आचार संहिता लागू है सर, ऐसे में इस तरह का प्रोटेस्ट? आदर्श आचार संहिता में इस तरह का प्रोटेस्ट तो पूर्णतः वर्जित है, परंतु अगर उनके द्वारा निकाल दिया गया है आक्रोश मार्च तो हम लोग कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और प्रतिबद्ध है कि किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं हो और आदर्श आचार संहिता की मर्यादा भी बनी रहे। सर, इस मामले में कहां तक पटना पुलिस पहुंची है अब तक में, जांच में क्या क्या आया? पटना पुलिस प्रत्येक बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही है। सीसीटीवी वगैरह को भी संभाला गया है, देखा गया है, हर बिंदु पर जांच किया जा रहा है और पटना पुलिस तुरंत ही अपराधियों तक जिसने इस घटना को कुकृत्य को अंजाम दिया है उनके तक पहुँचेगी और उनको कानून और सलाखों के पीछे ले आए। कितने लोगों को डिटेन किया गया है इस मामले में, किसी के नामजद होने की बात है क्या? अभी उसके ऊपर हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि संभाल अंतर्गत मामला जांच पड़ताल हो रहा है और जैसे ही आगे आता है तो आप लोगों को जानकारी आगे दी जाए। गौरतलब है कि पटना के बीएन कॉलेज में पढ़ाई करने वाले 21 साल के हर्षराज की हत्या उस वक्त की गई जब वो लॉ कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचे थे। अपराधियों ने कॉलेज गेट के पास लाठी डंडे और ईंट से मारकर हर्षराज को बुरी तरह घायल कर दिया था। इसके बाद स्थानीय लोग घायल हर्षराज को पीएमसीएच लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक हर्षराज के दोस्तों की माने तो वैसे तो हर्ष अच्छे स्वभाव का था, लेकिन पिछले साल दुर्गा पूजा के समय डांडिया के आयोजन के दौरान झड़प हुई थी। इधर घटना को लेकर लगातार छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम चंदन यादव है, जो पटना कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का छात्र है और जैक्सन हॉस्टल में रहता है। हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। देखना होगा कि आखिर आगे और किस तरह के खुलासे होते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज़।